एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल एबी पूनम ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए कोई भी ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ। आज मैं आप लोगों को एक ऐप के बारे में बताऊँगी जो फिल्मोरा ऐप है, उसका जैसे जब से नया अपडेट हुआ है तो बहुत लोगों को वीडियो एडिटिंग करने में परेशानी हो रही है। मतलब कि उसका जो नया वर्जन आया है वो अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है कि उसको वीडियो को एडिट कैसे करना है, बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है उसे एडिट करने में। तो मैं उसी ऐप के बारे में बताऊंगी। और मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा था जब से उसका नया अपडेट हुआ है, नया वर्जन आया है, तो मैं भी उस ऐप से एडिट नहीं करती थी वीडियो को, दूसरा ऐप से अब एडिट करती हूँ और उस ऐप से मैं एडिट नहीं करती हूँ। तो बहुत लोग बोले कि अगर वो जो पुराना वाला हम लोगों का फिल्मोरा जिसे हम लोग एडिट करते थे, अगर वो वाला आ जाता तो बहुत ही अच्छा रहता, क्योंकि फिल्मोरा जो ऐप था पुराना वाला बहुत ही अच्छा था, बहुत ही इजी था, उसको उस ऐप से कोई भी एडिट कर सकता है, बहुत ही इजी था। तो बहुत लोगों को परेशानी हो रही थी और कई लोग मुझसे बोले भी कि अगर आपको जैसे पता हो कि पुराना वाला कैसे आए तो उसके बारे में आप बताइए और वीडियो डाल दीजिए, कि मतलब हम लोग उस वीडियो को देखकर अब पुराना वाला वर्जन फिर वापस ला लें। तो मैं सोची अच्छा ठीक है, मुझे भी नहीं पता था, तो मैं सोची अच्छा ठीक है मैं कोशिश करूँगी कि पुराना वाला फिल्मोरा गो का वर्जन कैसे लाएं। तो वही वीडियो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। और मैं भी अब फिल्मोरा से फिल्मोरा वाला जो पुराना वर्जन था फिर मैं वापस ला ली हूँ, तो उससे मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा पुराना वाला आ गया है और बहुत ही अच्छा है। तो मैं सोची उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करूँगी। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें। तो चलिए मैं दिखाती हूँ किस तरह से पुराना वाला वर्जन फिल्मोरा गो का आएगा। जैसे जो नया वाला है अपडेट हुआ है, उस ऐप को तो पहले डिलीट कर देना है, उसके बाद फिर गूगल में जाकर और उसमें पुराना वाला वर्जन लाना है। तो मैं चलिए मैं वही वीडियो आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे कैसे करना है। सबसे पहले मोबाइल को खोल लेना है, उसके बाद जो फिल्मोरा ये जो ऐप है नया वाला अपडेट आया है इसको डिलीट मार देना है। डिलीट मारने के बाद फिर जाना है गूगल में, गूगल में जाना है और इस पर क्लिक कर देना है गूगल पे। तो इस पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है फिल्मोरा, फिल्मोरा गो ओल्डन वर्जन एपीके डाउनलोड। तो देखिए नीचे यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है, इस पर क्लिक कर देंगे, इस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए कुछ इस तरह से खुल कर आ गया है। अब फिर इसके बाद फिल्मोरा गो ओल्डेस्ट वर्जन एपीके इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर देखिए यहाँ पर लिखा है फिल्मोरा गो ओल्ड वर्जन एंड्राइड, इस पर क्लिक कर देना है। सबसे देखिए ऊपर है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से खुल कर आएगा और देखिए तीसरा वाला नंबर है 3.1.4, इस पर तीसरे वाले पर इस पर क्लिक कर देना है। इस पर ऐसे क्लिक कर देंगे, इस पर क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से खुल कर आ जाएगा, इस तरह से खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर ग्रीन कलर का जो है उस पर लिखा है डाउनलोड, इस पर क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक कर देना है। मेरा तो डाउनलोड हो चुका है तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगी।
तो अब देखिए डाउनलोड जब हो जाएगा इस पर क्लिक करने के बाद, फिर उसके बाद आना है होम पेज पे, बैक आना है, बैक कर देना है और आ जाना है होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद फिर जाना है फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर यहाँ पर है, इस पर क्लिक कर देना है, फाइल मैनेजर पे आ जाना है। और फिर देखिए फिर यहाँ पर लिखा है, फाइल मैनेजर खुल गया, उसके बाद APK यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर लिखा है फिल्मोरा गो, फिल्मोरा गो लिखा है। फिर देखिए ऊपर यहाँ पर लिखा है फिल्मोरा गो आ गया, फिर उसके बाद इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद देखिए इंस्टॉल का ऑप्शन, इंस्टॉल कर देना है, इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल ऐसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखा है ओपन, ओपन यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ओपन लिखा है, इस पर क्लिक कर देना है ओपन। ओपन पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से ऐसे खुल के आ गया, एकदम पुराना वाला वर्जन आ गया। अब देखिए इसको खोलने के बाद फिर आपको जहाँ से देखिए फिर यहाँ पे ऐसे अपने कैमरा में यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे।